ओए पतीजे, देख इस पेड़ से शहद टपक रहा है। इस पेड़ पर कोई मधुमक्खी का छत्ता तो है नहीं, तो शहद कहाँ से टपकेगा? अरे ये तो जलेबी का रस है। ये तो सुलझाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप सबकी खोई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज ना मिले तो ऊपर पेड़ पर लगे आम को तोड़ना चाहिए, इससे हमारी खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। हैं? मेरी नानी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो क्या हुआ, भतीजा कह रहा था तो कुछ तो होगा, करने में क्या जाता है। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, तो यहाँ छुप कर बैठे थे ये चोर, उछलम और कूदम। ओए वाह, भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। उछलो कूद और भागो। अरे उछलम, जल्दी से लाल रंग अपने शरीर पर लगा ले और इस बिल्डिंग के लाल दीवार पर चिपक जा, देखना कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ओ इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ चले गए? ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, अभी तो यही थे। वो देखो, वो रहा उछलम, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल कर इस लाल दीवार पर छुपा है। भागो। हेलो खोजी अंकल, जल्दी से आप अपने गैजेट बैग के साथ यहाँ पर आ जाइए, मुझे दो रंग बदलने वाले गिरगिट पकड़ने हैं। ये लो भतीजे, जैसा तुमने कहा था, ये लो वो गन। इस गन से पानी के गुब्बारे और इस गन से ग्लू की मोटी धार निकलती है। वो रहे दोनों, ये इन दोनों को मेरी लात से कोई ना बचा सके है। हम किसी के हाथ नहीं आते। समझे चाचू, जल्दी से ग्लू गन से उस दीवार पर ग्लू की धार छोड़िए। दे, उन्हें ये एंटीडोट पिला देते हैं। नहीं 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 चाचू, अभी नहीं। अगर भल्ला अंकल फिर से कंजूस हो गए और उन्होंने देखा कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है तो वो हमारा सिर खा जाएंगे। आइए मैं आपको उठाता हूँ। ये क्या हो गया, मेरे तिजोरी के पैसे कहाँ गए, कहाँ गए? तो ये सब आपने ही दिलदारी में बांटे हैं पल्ला जी। क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं बलवंत, मुझे सब वापस चाहिए अभी के अभी, वरना तुम्हारी 2 साल की सैलरी कट। कंजूस पल्ला अंकल वापस आ गए पर गलत वक्त पर। अच्छा ये तो बताइए, क्या क्या सामान चोरी हुआ? मेरी गोल्डन ट्रॉफी, सोने की चेन, मोबाइल फोन। फोन भी चोरी हुआ है? अच्छा हुआ, अब हम जीपीएस से उस चोर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। रुको, हम बंदूकनी जी को भी बुलाते हैं। हेलो बंदूकनी जी। ओह ये तो जुगावर है। बंदूकनी जी, जुगावर ऐसे नहीं मानेगा, पर एक तरीका है जिससे वो खुद भल्ला अंकल की हर चीज हमें वापस कर देगा अपने हाथों से। वो कैसे पतीजे? जुगावर को खोजी अंकल की स्पेशल दिलदार दवा पिलानी होगी, वही केमिकल जिससे भल्ला अंकल दिलदार बने थे। वाह क्या दिमाग लगाया है भतीजे। ओए जुगावर, चल भल्ला जी की चीजें वापस कर। क्या, कौन सी चीज? तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं। कुदकुदी नहीं, कुदकुदी नहीं। हिचका, ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। जुगावर अंकल, मैं रेस नहीं जीत पाया, अगर मुझे वो फर्स्ट प्राइज वाली गोल्डन ट्रॉफी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। दिल छोटा मत करो बेटा,
क्या येलो गोल्डन ट्रॉफी तुम्हें चाहिए, तुम इसे रख लो। काश मेरे पास भी फोन होता, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। युकी, जुगावर ये क्या कर रहे हो, तुम दिलदार कैसे बन गए? ये लोग तुम्हारी दिलदारी का फायदा उठा रहे हैं। क्या अपना पैसा ऐसे ही सब में बांट दोगे? आओ, पैसा तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं, असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये जुगावर तो सारी रास खो और उनके चेहरे और नाम का इस्तेमाल कर रहा है। वे तभी मैं कहूँ सुबह गरीबदास ज्वेलर की दुकान पर भी उनके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे। ओए भतीजे, मन्ने समझ नहीं आ रहा है कि यो हो क्या रहा है। आप चिंता मत कीजिए बंदूकनी जी, हम बहुत जल्द आपकी डुप्लीकेट को पकड़ लेंगे, वो खुद हमारे पास आएगी। सुनो सुनो सुनो, इंस्पेक्टर बंदूकनी जी को उनकी बहादुरी के लिए 5,00,000 का इनाम दिया जाएगा। सब कल ठीक 12 बजे फंटूष नगर मैदान में आ जाए। सुनो सुनो सुनो, 5,00,000 रुपए? ये असली बंदूकनी को नहीं, उसके डुप्लीकेट को मिलेंगे। ओए बंदूकनी, ये रही मेरी तीसरी चाल। ये हुई ना बात, अब बंदूकनी वक्त पर फंटूष नगर के मैदान तक नहीं पहुंच पाएगी और पूरे 5,00,000 मेरे। टायर पंचर, अब हम फंटूष नगर मैदान तक कैसे पहुंचेंगे? यस। हैं? यहाँ मैं मुसीबत में फंसी हूँ और तू खुश हो रहा है भतीजे? हैं? ओहो बंदूकनी जी, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा प्लान काम कर रहा है। ये टायर डुप्लीकेट बंदूकनी ने ही पंचर किया होगा ताकि आप समय पर इनाम लेने ना पहुंच पाएं और 5,00,000 रुपए उनके हो जाएं। बंदूकनी जी, जल्दी से हमारे साथ स्कूटर पर फंटूष नगर ग्राउंड चलिए। और रुक जा डुप्लीकेट। ओए, दो बंदूकनी। ओए, दो बंदूकनी। ये यहाँ कैसे आ गई? अब तो सबके सामने मेरा पर्दा फाश ही हो जाएगा। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, मैं हूँ असली बंदूकनी। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, मैं हूँ असली बंदूकनी। ओए भतीजे, ओए दोनों में से कौन असली है और कौन नकली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ चाचू, मैं भी असली बंदूकनी जी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। हेलो खोजी अंकल, जल्दी से अपना एक्सरे मिरर लेकर फंटूष नगर मैदान पहुँचिए। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, मैं हूँ असली बंदूकनी। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, असली बंदूकनी मैं हूँ। इस बेवकूफ को नहीं मालूम कि मैं यहाँ का ईटिंग चैंपियन हूँ। मेरे हाथ से आज तक कोई शिकार नहीं बचा। कितनी गंदी स्मेल है, लगता है कभी दांत साफ नहीं किए। अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। बाय बाय। भागो खिलाड़ी सिंह। भतीजे, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? ओए भैंस की पूंछ, और रुक जा। ओए, और जीप लेके कहाँ भाग रहा है? ओए रुक जा। अरे वाह, बांस देखकर एक जबरदस्त आइडिया आया है। मेरी भी अकल का जवाब नहीं है।
खिलाड़ी सिंह तुम बचोगे नहीं। खिलाड़ी का खेल बाकी सब फेल। खिलाड़ी का खेल बाकी सब फेल। स्पोर्ट्स, ये तो मेरा ही प्लेग्राउंड है। आजा भतीजा, अब तुझे कौन बचाएगा? बेवकूफी मत करो बच्चे, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। खिलाड़ी नाम है मेरा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन है बड़ा खिलाड़ी।